डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्रिकेट 2020 इन एसोसिएशन विद प्लेयर्स स्पॉट इंडियाज न्यू गेमिंग डेस्टिनेशन। आरसीबी वर्सेस केकेआर, बहुत बड़ी जीत आरसीबी के लिए। 82 रनों से जीता इस मैच को। उसका फर्क पड़ेगा सिर्फ पॉइंट्स टेबल पे नहीं, अब तो तीसरे नंबर पे पहुंच गया, लेकिन साथ में नेट रन रेट पे। इसके पहले नेट रन रेट बिल्कुल नीचे था उनका, -1 point something था, वहीं से अभी -0.1 पे पहुंच गया। मतलब सिर्फ तीसरे नंबर पे नेट रन रेट के हिसाब से भी और पॉइंट्स के हिसाब से भी। तो बहुत बड़ी जीत ये आरसीबी के लिए। तो इसके बारे में 5 टॉकिंग पॉइंट्स जो हैं इस मैच से। सबसे पहले एबीडी, 73 रन 33 गेंदों में, अनबिलीवेबल। जब एबीडी विलियर्स ऐसे फॉर्म में हो तो बुरा लगता है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता पिच कैसा है, गेंदबाजी कैसी हो रही है, लेकिन इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। और कितनी अच्छी पारी ये थी। अब ये सोचे कि उनके अलावा जिसने भी 20-30 रन बनाया हो, किसी का स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर नहीं था। चाहे आप उसी टीम में आप फिंच को पकड़ लें, पडिकल को पकड़ लें, उनके साथ विराट भी खेल रहे थे, लेकिन विराट भी लग रहे थे कि नहीं ये पिच से बॉल आ नहीं रही, थोड़ा रुक के आ रही है, तो बैट पे नहीं लग रहा, टाइमिंग नहीं हो रही। लेकिन एबीडी विलियर्स अनबिलीवेबल, 221 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो रन बनाए। और ऐसा पिच जहाँ पे 160 शायद पार स्कोर होता, वहीं पे 194 रन बनाए, मतलब 25-30 रन कम से कम ज़्यादा बनाए उस पिच पे। और वो एबीडी विलियर्स इस फॉर्म में ही कर सकते हैं, शायद इसके अलावा बहुत कम बल्लेबाज है जो ऐसे बल्लेबाजी कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट मास्टर क्लास एबीडी का। उसके बाद नज़र ज़रूर मैं डालना चाहूँगा स्पिनर्स के ऊपर। सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती, जहाँ पे सब लोग 10 रन प्रति ओवर खा रहे थे, कोई 12 कोई 11, वहीं पे 4 ओवर में 25, विकेट नहीं लिया लेकिन 4 ओवर में 25। खासियत ये थी कि उनका जो बॉलिंग स्टाइल है, क्योंकि फ्लैट करते हैं, जब फ्लैट करते हैं थोड़ा पीछे रखते हैं तो थोड़ा सा स्टेप आउट करना मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि हवा में तेज़ है तो बैकफुट पे भी उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए जो लेंथ उनका है वो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो है वो है लाइन। लाइन अगर आप उनका बी हाइव देखें, मतलब कहाँ जाके ख़त्म होता है गेंद, देखेंगे सब विकेट के आसपास ही होता है। जब विकेट के आसपास होता है तो बैट्समैन के लिए रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि बैट्समैन के भी दिमाग में होता है कि भैया अगर मैं मिस कर जाऊँ तो ये जाके स्टंप पे लगेगा। वैसे ही कुछ गेंदबाजी हमने देखी वॉशिंगटन सुंदर के पास से, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन 2 विकेट देके, लगभग उसी तरीके की बॉलिंग, थोड़ा सा तेज़ थोड़ा सा फ्लैट, जहाँ पे स्टेप आउट करना मुश्किल है बल्लेबाज के लिए, जहाँ पे बैकफुट पे भी वक्त कम मिलता है, और वही वरुण चक्रवर्ती जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें जो हैं वो जाके स्टंप पे लग रही थी, तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा जो वो क्रॉस बैटेड शॉट होता है वो खेलना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूजी चहल अलग ही लेवल के बॉलर हैं, 4 ओवर में सिर्फ 12 रन। चलिए ये कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा जो है मदद ज़्यादा है, सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा पिच जो है वो थोड़ी सी और धीमी खेलने लग गई थी, साथ में विकेट जल्दी गिर गए थे, तो थोड़ा सा आसान था यूजी चहल के लिए, लेकिन फिर भी 4 ओवर में 12 रन, मतलब कमाल की गेंदबाजी। और यूजी एक ऐसे गेंदबाज है जो उनकी खासियत मुझे लगती है वो जिगरा, मतलब बड़े दिल वाले हैं, कोई भी सिचुएशन हो बॉल उनके पास दे दो आप और वो काम कर देंगे। और ये एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है कप्तान के लिए, कोई ऐसा गेंदबाज उनके टीम में हो कि भैया पहले 6 में भी डाल देंगे, डेथ में भी डाल देंगे, बीच में भी, कहीं पे भी वो डाल देंगे वो, और विकेट टेकिंग बॉलर है। आखिरी पॉइंट और बहुत ज़रूरी पॉइंट है पिच। अब धीरे धीरे अगर हम देखें, अब सब टीम्स जो हैं 7-7 मैचेस कम से कम खेल चुकी हैं, आरसीबी और केकेआर 8-8 खेल चुके हैं अब तक, तो पिचेस जो हैं अब थोड़ी सी धीमी होने लगी है, चाहे वो शारजा का पिच हो चाहे वो आबू धाबी हो। शुरुआत में जो हम देख रहे थे कि बॉल पढ़ के निकल रही थी तेज़ गेंदबाज, अब धीरे धीरे जो है इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स का जो रोल है वो बढ़ता जाएगा। आज भी हमने देखा स्पिनर्स, जितने भी जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी अच्छे बॉलर्स इस मैच में थे, सारे स्पिनर्स थे, और ये हम आगे भी देखते रहेंगे। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, पिचेस जो है वो और धीमी होती जाएगी, और स्पिनर्स का रोल जो अभी तक उतना खास था नहीं इस टूर्नामेंट में, अब उनका रोल जो है, उनका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगेगा। खैर ये थे मेरे 5 पॉइंट, आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये मैच, खासकर एबीडी विलियर्स की बैटिंग। मैं तो दोबारा देखने वाला हूँ रीप्ले उसका। Done.
मेरी टीम तो तैयार है और आपकी सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम डाउनलोड द ऐप नाउ क्रिकेट 2020 इन एसोसिएशन विद प्लेयर्स स्पॉट इंडियाज न्यू गेमिंग डेस्टिनेशन